महाराज काहे के हमारे घर में एक कन्या है, शादी के योग्य है, आप पीले हाथ करा दीजिए। तो आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे है, यहाँ तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ हम कुछ नहीं साथ लेकर के आए हैं, और आप हमारे साथ में चलो महलों में। बोले महलों में? बोले हाँ। तो महाराज जब ये गाय है कि महलों में हमारे साथ में चलो, बोले आप जो भी लायो वो यहीं पर दे दीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है। बोले जो तुम्हारे पास में हो वो यहीं पर दे दीजिए। बोले तो अभी तो केवल हम घूमने के लिए आए थे, अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी लगाम है। बोले उसी का संकल्प छोड़ दीजिए। महाराज कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ा है, बोले दक्षिणा में बोले ज्यादा नहीं 60 बार सोना दे देना। आज लेकर के विश्वामित्र को चले महलों में पहुंचे, तो सभी संत्रियों मंत्रियों को आदेश दिया है कि महात्मा जी हैं जो बड़ी दूर से आए हैं, इनका स्वागत करो, सम्मान करो, भोजन कराओ। और जो ये गाय है, तो विश्वामित्र कहने लगे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप जानते हो किसे आदेश दे रहे हो? अरे संत्री मंत्री ये राजपाठ सब हमारा हो चुका है, आप किसे आदेश दे रहे हो? और जो ये वचन सुने हैं, तो महाराज आज हरिश्चंद्र जो है जमीन पर गिर जाते हैं। जब जमीन पर गिर पड़े, बोले हमें तो ये मालूम पड़ रहा है कि आप हमें देना नहीं चाहते। बोले ऐसी बात नहीं है, हम देना तो चाहते हैं, लेकिन हम जाते हैं अपनी पत्नी से एक बार पूछ करके आते हैं। महाराज इधर तारा के नजदीक पहुंचे, जैसे ही तारा ने आता हुआ देखा, पूजा की थाली उठाई, आरती उतारने के लिए जब तैयार हुई, आरती लेकर के आगे बढ़ी, हरिश्चंद्र कहने लगे तारा ये आरती का थाल दूर रखो, क्योंकि अब ये राजपाठ जो है सब हमारा जा चुका है। बोले महाराज क्या कह रहे हैं? बोले एक भिक्षुक का रूप बना करके संत दरवाजे पर आए, उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बोले तो ये बताओ उन संत का कुछ रह तो नहीं गया? बोले अभी तो 60 बार सोना बाकी है, क्या आप हमारे साथ में बिक सकती हो? बोले आप बिकने की बात कर रहे हैं, आप कहो तो हम अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकती हूँ। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी हो। महाराज रानी तारा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, और महाराज पतिव्रता में तो बड़ो ही बलो हुई। एक ब्राह्मण देव जो थे, तो उनकी पत्नी ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत पतिव्रता। ब्राह्मण देव यज्ञ हवन पूजा पाठ किया करते थे, दूर दूर तक यज्ञ करने के लिए जाया करते थे। एक दिन यज्ञ करने के बाद में ब्राह्मण देव लौटे तो थक गए, अपनी पत्नी की जंघा पर सर रख करके सो गए। पत्नी जो है उनका सर दबा रही थी। उनके घर में एक छोटा सा बालक था, घुटवन चलने वाला, जो बोल नहीं पाता था। उनके आंगन में एक यज्ञ कुंड बना हुआ था। तो महाराज वो बालक जो था घुटवन चल करके उसी यज्ञ कुंड के पास में पहुंचा है, जिसमें अग्नि भरी हुई थी। इधर पत्नी जो है अपने पति का सर दबा रही है, उन्होंने देखा कि हमारा बालक जा रहा है, अगर कहीं उस यज्ञ के कुंड में गिर पड़ा तो हो सकता है समाप्त भी हो जाए, क्योंकि उसमें अग्नि भरी हुई है। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री बांस है नहीं हिली कि अगर हम यहां से उठ गए तो हमारे पति की निद्रा जो है वो भंग हो जाएगी, और अदे पति की निद्रा भंग हो गई तो हमारा पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो मैं दोबारा पतिव्रता
नहीं कहलाई जाओगे। बेटा कर्म है और पति धर्म है। कर्म बिगड़ जाए तो फिर भी बन सकता है, लेकिन अगर धर्म बिगड़ जाए तो दोबारा नहीं बन सकता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन धर्म का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बालक जो है आज जाकर के उसी यज्ञ कुंड में गिर गया, तो अग्नि देव ने देखा कि इसकी माँ जो है वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, अगर हमने इस बच्चे को जलाया तो वो हमें जला करके भस्म कर देगी। तो आज इसी समय अग्नि देव एकदम से फूलों की भांति बन जाते हैं। बालक हंसता हुआ खेलता हुआ बाहर निकल आता है। ये किसका बल था? एक पतिव्रता। महाराज पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है। अच्छा पतिव्रता कहते किसे, कौन होती है पतिव्रता, पतिव्रता की परिभाषा क्या है, पतिव्रता का मतलब क्या होता है? पतिव्रता उसे कहते हैं जिसने स्वप्न में भी पराये पुरुष को न देखा हो, जीवात्मा की तो बात अलग है, उसे कहते हैं पतिव्रता। ऐसी पतिव्रताओं से भगवान को भी डर लगता है। अनुसुईया जिन्होंने तीन सृष्टि के कारकों को पालने में झुला दिया, ये किसका बल था? एक पतिव्रता का। तो महाराज पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है। के धीरज धर्म और सुत नारी और आपत काल परखियो जाई। आप कितने धैर्यवान हैं, कितने शीलवान हैं, कब पता चलता है आपत्ति में? वैसे तो सब शीलवान धैर्यवान बने रहते हैं, विपत्ति में पता पड़ता है कौन अपना है कौन पराया है। और जो विपत्ति में अपना हो जाए वही आपका अपना होता है। अगर किसी के पास में भगवान ने 4 करोड़ रुपए दिए, उसने 4 लाख का यदि दान नहीं किया तो वो धर्मात्मा नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास में 2000 रुपए है, उसने केवल 50 रुपए का दान कर दिया तो वो धर्मात्मा बन गया, क्योंकि उसके पास में केवल 2000 रुपए ही थे। महाराज इधर रानी तारा जो है बिकने के लिए तैयार हुई, पुत्र रोहिदास वो भी बिकने के लिए तैयार हुए हैं। इधर जब चले तो विश्वामित्र ने राशि वस्त्रों को उतरवा दिया है तीनों प्राणियों ने। इधर राशि वस्त्रों का त्याग किया है और फटे पुराने वस्त्र धारण किए, और ये 101 रुपए पुष्पेंद्र पाल ठेकेदार जो इसी गांव बसवारी से है उनकी तरफ से ये 101 रुपए हमारे पास आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें, मन के भंडार भरे रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। महाराज इधर तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले हैं तो तारा की दासी रोने लगी। अज तारा की दासी रोई है, तारा ने समझाया तुम क्यों रो रही हो, आज जब चले हैं तीनों प्राणी तो पशु पक्षी भी व्याकुल होने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़े। इधर रोहितास जमीन पर गिर जाते हैं और बैठ गए, बोले भैया और कितनी दूर है काशी नगरिया, बड़ी तेजी से प्यास लगी हुई है। तारा कहने लगी महाराज इसे पानी पिला दीजिए, क्योंकि अगर वहां तक जाएंगे हमारा पुत्र जो है खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, जीवित नहीं बचेगा। आज उसी समय तारा बोली है महाराज